आज हम बात करेंगे कि पीठ का दर्द किन किन वजहों से हो सकता है। पीठ का दर्द रीढ़ की हड्डी की वजह से हो सकता है, रीढ़ की हड्डी में जो जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से पीठ का दर्द हो सकता है, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी मांसपेशियों या मसल्स जिन्हें हम कहते हैं उनकी वजह से भी पीठ का दर्द हो सकता है, या वहाँ से जो नर्व्स या नसें निकल रही हैं उनके दबने से भी पीठ का दर्द हो सकता है। ये अब बात करते हैं पीठ दर्द के कितने प्रकार होते हैं। इसमें पहला आता है समय और ड्यूरेशन के हिसाब से। अगर 12 हफ्तों से कम का दर्द है तो उसको हम एक्यूट बैक एक और एक्यूट पीठ का दर्द कहेंगे। अगर 12 हफ्तों से ज़्यादा का पीठ दर्द है तो उसको हम क्रॉनिक बैक एक या क्रॉनिक पीठ का दर्द कहेंगे। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है उसमें आता है पहला नॉन स्पेसिफिक कॉज, जिसका कारण हमें पता नहीं होता, और दूसरा आता है स्पेसिफिक कॉजेज, जिसके कारण हमें पता होते हैं। पीठ का दर्द अगर कैंसर की वजह से हो रहा है, या पीठ का दर्द किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, या किसी चोट लगने की वजह से हो रहा है, तो ये आते हैं स्पेसिफिक कॉजेज में, पीठ दर्द के कारण के अंदर। पीठ दर्द के ज़्यादातर कारण नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जो हमें पता नहीं होते हैं, और कुछ कारण सीरियस कारण होते हैं, जैसे इन्फेक्शन हो गया, फ्रैक्चर की वजह से पीठ दर्द हो रहा है, या कैंसर की वजह से पीठ दर्द हो रहा है। मगर एक स्पेशल कारण भी है, पारिवारिक तनाव की वजह से भी बैकएक होता है। और कुछ कॉमन कारण होते हैं, जैसे रीढ़ की हड्डियों की जो मांसपेशियां होती हैं, स्केलेटल मसल्स जो हमारी रीढ़ की हड्डियों से जुड़ी होती है, उन मसल्स के अंदर स्ट्रेन आ गया या उन मसल्स का स्पाज्म हो गया, उसकी वजह से बैकएक हो गया। या आपका कभी एक्सीडेंट हुआ, आपको चोट लगी मगर आपको पता नहीं चला कि आपको चोट लगी है, तो उसकी वजह से भी बैक एक परसिस्टेंट रहता है। पीठ दर्द के दूसरे अनकॉमन कॉजेज भी होते हैं, जैसे स्पाइनल डिस्क डीजनरेशन या ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि बढ़ती उम्र के साथ ये कारण पाया जाता है। प्रेगनेंसी रिलेटेड भी बैक पेन होता है, 50% से ज़्यादा प्रेगनेंट लेडीज़ को ये बैक पेन होता है। कुछ पोस्चर्स होते हैं जो प्रेगनेंट लेडीज़ को अवॉइड करने चाहिए, जैसे ज़्यादा लंबे समय तक बैठे रहना, ज़्यादा लंबे समय तक खड़े रहना, वेट उठाना या फॉरवर्ड बेंडिंग करना, ये सब पोस्चर्स प्रेग्नेंट लेडीज़ को अवॉइड करने चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं पीठ दर्द का इलाज कैसे किया जाता है। जब मरीज डॉक्टर के पास कंप्लेंट लेकर आता है तो डॉक्टर सबसे पहले तो उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं, साथ में अदर इन्वेस्टिगेशंस उसको सजेस्ट करते हैं, जैसे सिटी स्कैन हो गया, एक्सरे हो गया, एमआरआई हो गया, या ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हो गई, और इन इन्वेस्टिगेशंस की मदद से उनके स्पेसिफिक कॉजेस तक पहुँचने की कोशिश की जाती है और उनका इलाज किया जाता है। बेसिकली आज हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में, कि फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से कैसे पीठ दर्द का इलाज किया जाता है। फिजियोथेरेपिस्ट सबसे पहले पेशेंट को असेस कर उसको मोइस्ट शीट देके और वेरियस इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़ की हेल्प से पेशेंट का पेन कम करने का प्रयास करते हैं। साथ ही पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको वेरियस फ्लेक्शन और एक्सटेंशन रिजीम एक्सरसाइजेस सिखाते हैं, जो कि आपको अंडर द सुपरविजन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट करनी होती है, और आवश्यकता पड़ने पर आपको घर के लिए एक्सरसाइज भी सिखाई जाती हैं जो कि आपको घर पर करनी होती है। तो यह ट्रीटमेंट आपको फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा दिया जाता है। कमर दर्द को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपको 21 दिन का रेस्ट लेने के बाद और दवाइयां लेने के बाद भी अगर आपका कमर दर्द नहीं रुक रहा है तो आपको तत्काल फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क करना चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं कुछ होम बेस्ड फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस की, जो कि आपको कमर दर्द के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी। पहली एक्सरसाइज है प्रोन लाइन, जाने की उल्टा लेट। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप पेट के बल बेड पर लेट जाइए और अपने आप को रिलैक्स महसूस कीजिए। अपने कुछ सुहारे पलों को याद कीजिए और इस पोजीशन को 2 मिनट के लिए मेंटेन कीजिए। यह एक्सरसाइज आगे आने वाली एक्सरसाइज के लिए एक फाउंडेशन का काम करती है। अगली एक्सरसाइज है बैक आर्च स्ट्रेच। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप वीडियो में दिखाई गई पोजीशन में लेट जाइए तथा अपने आप को ऊपर की तरफ थोड़ा सा पुश करिए। ऐसा करते हुए आपको आपकी कमर के नीचे हुए भाग में कुछ कसाव महसूस होगा। इस कसाव को आपको लगभग 8 से 10 सेकंड के लिए मेंटेन करना है, वह धीमे धीमे रिलीज करना है। इस एक्सरसाइज को आप 8 से 10 दफा रिपीट करिए।
अगली एक्सरसाइज है फुल प्रेस अप। यह एक्सरसाइज बैक आर्च स्ट्रेच एक्सरसाइज का प्रोग्रेशन है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको पेट के बल उल्टा लेट जाना है तथा धीमे धीमे अपने सर को ऊपर की ओर उठाना है। ऐसा करते हुए आपको आपकी एल्बोज को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है तथा एंड पोजीशन को 5-10 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। यह एक्सरसाइज आप 8-10 टाइम्स रिपीट कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्टैंडिंग आर्च एक्सरसाइज। यह एक्सरसाइज एक फंक्शनल एक्सरसाइज है तथा पहले की गई एक्सरसाइज से कुछ डिफरेंट है। अभी तक की गई सभी एक्सरसाइजेस लेट कर की जाती है जबकि यह एक्सरसाइज आप ऑफिस में या वर्क प्लेस में किसी भी समय कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सीधा खड़ा होना है तथा अपने दोनों हाथों को हिप्स के ऊपर रखना है। हिप्स पे रखने के पश्चात आप पीछे की तरफ लीन कीजिए तथा एंड पोजीशन को 2-3 सेकंड्स के लिए होल्ड कीजिए। यह एक्सरसाइज आप 8-10 दफा रिपीट कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है यूनिलैटरल नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सीधा बेड पर लेट जाना है तथा अपने दोनों घुटनों को लगभग 45 डिग्री पर फोल्ड करके रखना है। स्टार्ट करने के लिए आप एक घुटने को अपनी चेस्ट की तरफ फोल्ड कीजिए। अपने दोनों हाथों को थाइस के पीछे वाले हिस्से पर रखते हुए अपने घुटने को चेस्ट के साथ लगाने की कोशिश कीजिए। ऐसा करते हुए आपको एंड पोजीशन को 5 सेकंड्स तक होल्ड करना है। ध्यान रहे ज्यादा जोर नहीं लगाना है। इस एक्सरसाइज को आप 8-10 टाइम्स रिपीट कीजिए। अगली एक्सरसाइज है डबल नी टू चेस्ट। यह एक्सरसाइज पिछली एक्सरसाइज का प्रोग्रेशन है। स्टार्टिंग पोजीशन सेम रहेगी यानी कि आपको अपने घुटनों को 45 डिग्री पर फोल्ड करके सीधा लेटना है। दोनों घुटनों को अपनी चेस्ट की तरफ साइमल्टेनियसली लाने की कोशिश करनी है। अपने दोनों हाथों को थाइस के पीछे वाले हिस्से पे रखते हुए घुटनों को चेस्ट के साथ लगाने की कोशिश करनी है। ध्यान रहे बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना है। एंड पोजीशन को 5-10 सेकंड्स के लिए होल्ड कीजिए। इस एक्सरसाइज को आप 8-10 टाइम्स रिपीट कीजिए।